आवास सिद्दीकी की हत्या में गिरफ्तार दो आरोपियों ने बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का दावा किया है और राजनीतिक हत्या से महाराष्ट्र की सियासत उबलने लगी है। सुनिए क्या कुछ कहना है सभी का। कॉन्ट्रैक्ट किलर है ये लोग। अब किसके भेजने को, किसने भेजे है, किसने किया है, अब ये इंक्वायरी में आएगा। नहीं, मैं समझता हूँ बाबा सिद्दीकी का कोई किसी से दुश्मनी नहीं थी और ये बहुत ही लवली, बहुत ही फ्रेंडली आदमी थे। मैं 35 सालों से मेरा ताल्लुक बाबा सिद्दीकी से। अब इसमें क्या चीज़ है, कैसे हुआ, नहीं मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल फेलियर है। किसी को डर ही लगता है, किसी को डर ही नहीं है। अभी एक हमारे साथी का मर्डर हुआ था अंधेरी में, मर्डर करने वाले का सीसीटीवी पकड़ा गया, जेल गया और एक साल में आके फिर उस एरिया में घूम रहे वो आदमी। इस तरह अगर इस तरह से कानून में काम होगा, प्रोसिक्यूशन में इस इंक्वायरी के काम होगा, मैं समझता हूँ तो मुंबई तबाह हो जाएगी। ये दुखद जो घटना घटी है उसका मैं निंदा करता हूँ, लेकिन इसमें कोई मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है। जो इशू है वो शायद कोई पर्सनल SRA का कोई इशू है, जैसे हमारे सामान्य मुख्यमंत्री साहब एकनाथ शिंदे जी ने कहा है, और इसकी गहरी तहकीकात होनी चाहिए और ये हमारी मांग सरकार से रहेगी। और जो भी विधायकों को पुलिस प्रोटेक्शन देना है वो मुंबई पुलिस करे, ये मैं निवेदन करूंगा। बाबा एक दिलदार आदमी था, बाबा एक जाबाज एक साथी था और उन्होंने पॉलिटिकली बहुत अच्छा काम किया। मंत्री रहते हुए भी बहुत एक उनका जो स्वभाव था, दिलदार आदमी था और लोगों की सेवा करने में, काम करने में पॉलिटिकली बड़ी मैच्योरिटी थी उनको और अच्छा काम करता था। उन्होंने बड़ी एडवर्स सिचुएशन में बांद्रा जैसी उस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है और उनके लड़के जीशान सिद्दीकी भी इन दिनों एक विधायक के नाते बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे थे। बाबा का जाना इस तरीके से हम सबके लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है और बाबा जाना ये हमारे लिए एक फैमिली मेम्बर घर से चला गया ऐसे हमें लगता है। बाबा सिद्दीकी मर्डर मामले में देवेंद्र फडणवीस का डेप्यूटी सीएम महाराष्ट्र के, उनका बयान सामने आया है। कह रहे हैं कि जो भी घटना में शामिल होगा, जो भी दोषी होगा उसे बख्शेंगे नहीं। डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस का यह बयान, कह रहे हैं कि किसी की भी भूमिका होगी हत्या के दोषियों को बख्शेंगे नहीं। इसके पहले सीएम शिंदे भी कह चुके हैं कि कड़ी से कड़ी सजा होगी, जिसकी भी भूमिका होगी उसे नहीं छोड़ेंगे। सरकार पर दबाव भी है, विपक्ष हमलावर है इस पूरे मामले को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर बता रहा है और हत्या के दोषियों को बख्शेंगे नहीं, ये कहना है देवेंद्र फडणवीस का है।